बिसम बेटा आज हम क्लास फाइव यूनिट नंबर सेवन और इसकी एक्सरसाइज थ्री करने वाले हैं तो इस एक्सरसाइज थ्री में जो पहला क्वेश्चन है इसमें मुख्तु किस्म की जो ये जो क्वारिलेटर दी हुई हैं तो जिसका अगले अगले पेज पे ये मुख्तु किस्म की क्वारिलेटर दी हुई हैं ये वाली जिसके अंदर कलर किए हुए हैं इनकी बात कर रहे हैं तो इनके बारे में बताना है हमने इनके बारे में क्या बताना है लेबल द फॉलोइंगेटरल लेबल इनको नाम देना है इनको कोई बताना है कि ये जो क्वारिलेटरल कौन सी है क्वारेटर क्या होती है क्वाडिलेटर कहते हैं चार कोनों वाली बंद शक्ल ये क्लोज शेप होती है और इसकी चार फोर साइड होती हैं और फोर ही एंगल्स होते हैं तो इसकी फर्द डिफरेंट टाइप्स हैं तो आगे ये जो कॉर्डिलेटर हैं जो चार कॉर्नर वाली डिफरेंट शेप दी हुई हैं इस क्वेश्चन में जैसा नेक्स्ट पेज में भी है ये भी है तो इनको एक तो इनको लेबल करना है कि ये बताना है कि ये कौन सी हैं फिर उसके बाद क्या करना है ऐट लीस्ट टू प्रॉपर्टीज ईच और हर एक क्वारिलेटर की एटलीस्ट का मतलब कम अज कम टू प्रॉपर्टीज उसकी दो खसूसियात उसकी खूबियाँ ठीक है ना उसकी खसूसियात वो हमने बतानी है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी जो कॉर्डिलेटर की टाइप्स हैं वो पढ़ लेते हैं जब हम उसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ये वही कुछ है जो अभी हम पढ़ेंगे तो ये कोआर्डिलेटर की वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताई है कैसी शेप विच हैव फोर साइड एंड फोर एंगल्स आर कॉल्ड कोआर्डिलेटर्स तो बेटा ऐसी क्वारिलेटर जिसकीटर विच हैव हैविंग फोर इक्वल साइड उसकी तमाम साइड इक्वल हों फोर साइड ही होती है ना तो फोर की फोर इक्वल हों ये एक जो लाइन लगी हुई है ना ये लाइन इसका मतलब होता है ये जहां जहां वन लाइन है सिंगल लाइन है ना इसका मतलब होता है ये वाली आपस में इक्वल है ठीक है ना जिनके ये लाइनें इक्वल हैं वो साइड भी इक्वल हैं एक तो इसकी क्वालिटी ये है कि उसकी फोर साइड इक्वल होती हैं ठीक है और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है दूसरी उसकी खसूसियत क्या होती है उसके फोर राइट एंगल उसके जो राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री एंगल को ये बात याद रखनी है आपने 90 डिग्री एंगल भी बोलते हैं इसको राइट एंगल भी बोलते हैं एक ही बात है ये और उसके फोर के फोर जो एंगल है ना वो राइट एंगल होते हैं उसकी फोर की फोर साइड भी आपस में इक्वल होती हैं जितनी लेंथ एक साइड की है उतनी ही चारों साइड की लेंथ उतनी होती है और चारों के चारों एंगल भी राइट एंगल होते हैं ये 90 डिग्री एंगल होते हैं तो अगर ऐसी शेप हो तो उसको क्या बोलते हैं उसका नाम होता है स्क्वायर ठीक हो गया स्क्वायर आप देखें ये जो स्क्वायर है इसके साथ जो मिलती जुलती शेप है ना वो होती है रंबस ये वाली रंबस और इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको स्टार्ट में बताता जाता हूं कि जो रमबस होती है इसके भी आल साइड इक्वल होती है आल साइड इक्वल होती है उसकी भी आल साइड इक्वल थी लेकिन रंबस में ये होता है कि इसमें जो एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री के नहीं होते बट नॉट राइट एंगल लेकिन इसके राइट right एंगल नहीं होते ठीक है और इसके एक तो ये भी है कि इनके जो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं जितना एंगल ये होता है उतना ये होता है जितना ये होता है उतना ही एंगल ये होता है इनको अपोजिट एंगल बोलते हैं इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है तो इन रंबस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ठीक हो गया तो ये समझे कि जो स्क्वेयर है और जो रंबस है ये दोनों जैसे हम कह लें कि दोनों बहन भाई हैं, तो इनका ये एंगल्स पे आकर डिफरेंस होता है साइड इसकी भी चारों आपस में इक्वली होती हैं। इसी तरह आगे आ आग गया आग रेक्टेंगल रेक्टेंगल में ये होता है कि आ ऑफ पैरेलल साइड इसमें टू पे होते हैं दो जोड़े होते हैं पैरल साइड के पैरल साइड कौन सी होती है वो साइड होती है जिनका फासला होता है. तो इसमें देखें, ये इसके सिंगल लाइन वाली इस सिंगल लाइन वाली के इक्वल है ये लेंथ की बात कर रहे हैं और ये जो डबल लाइन वाली इस डबल लाइन वाली लाइन के इक्वल है और ये जो एरो बना हुआ ना ये सिंगल एरो सिंगल एरो ये एरो जो बने होते हैं ये पैरल लाइन को शो करते हैं इस ऊपर भी हमने देखा था कि इसमें ये सिंगल जो एरो था इसका ये सिंगल एरो ये लाइन इसके पैरल है और ये वाली लाइन इसके पैरल है यानी कि डबल जो एरो है ये डबल वाले के पैरल है इसको उर्दू में बोलते हैं मतवाजी हम फासला तो ये लाइन इसके पैरल है और ये वाली लाइन इसके पैरल है तो लेकिन इसमें ये है कि जो साइड है वो आल साइड इक्वल नहीं है बल्कि एक पेयर होते हैं इसमें दो पेयर हैं जो आपस में पैरल है एंड इक्वल इन लेंथ ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल लेंथ में आल साइड इक्वल नहीं होती इसमें इक्वल लेंथ का पेयर होता है एक पेयर ये वाला हो गया और एक पेयर ये वाला हो गया और दूसरी इसमें बात यह होती है कि आल एंगल्स आर 90 डिग्री लेकिन इसमें तमाम एंगल 90 डिग्री के होते हैं लेकिन साइडें इक्वल नहीं होती बल्कि लंबाई और चौड़ाई में फर्क होता है लेकिन एंगल तमाम नाइन्टी डिग्री के होते हैं ऐसी शेप को बोलते हैं रेक्टेंगल रेक्ट का मतलब आपने यही समझना कि 90 डिग्री होता है यानी कि 90 डिग्री एंगल वाली शेप तो इसमें आप देखें कि इससे जो मिलती जुलती है ना वो ये वाली शेप है पैरलोग्राम पैरलोग्राम में जिस तरह इसकी अपोजिट साइड पैरल होती है इसके ये वाली पैरल है इसके इस साइड के पैरल ये वाली साइड है तो सेम इसी तरह इसकी भी अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ पैरल होती हैं लेकिन उसमें क्योंकि तमाम एंगल 90 डिग्री थे लेकिन इसमें तमाम एंगल 90 डिग्री नहीं होते तो इसमें होता है कि इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसके एंगल जितना भी होगा उसका ये वाला एंगल अपोजिट है और इस एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल जो है ना ये आपस में इक्वल होते हैं इसमें टू पेर ऑफ पैरल साइड है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल आर कार पैरोग्राम इसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री नहीं होता तो ये देखें इसमें अपोजिट साइड पैरल भी होती हैं और लेंथ में भी इक्वल होती हैं अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है इसके ये इक्वल होती है लेकिन इसमें जो बात है ये इसमें आल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं लेकिन इसमें होता है कि अपोजिट साइड तो इक्वल है इसके अपोजिट साइड ये है ये भी इक्वल है आपस में आपस में पैरल भी हैं लेकिन ये इसके तमाम एंगल नाइन्टी डिग्री नहीं होते अगर नाइन्टी डिग्री एंगल नहीं होंगे उनको बोलेंगे पैरलोग्राम अब नेक्स्ट शेप पे आ जाए इसमें देखें कि इसमें ये साइड इसके ऊपर एक एरो इसके ऊपर एरो है। इसका मतलब हुआ कि ये वाली साइड इस साइड के पैरल है एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं इनकी लेंथ मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन ये पैरल हैं आपस में और जो दूसरी दो साइड हैं ये आपस में पैरल नहीं हैं तो ऐसी शेप को बोलते हैं इसमें ओनली वन पेयर इसमें सिर्फ वन पेयर ही होता है पैरल साइड का और इसमें कोई एंगल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता या नहीं हो सकता ठीक है इसमें मेन जो कंडीशन है ना तो ट्रे पीजन की वही ये होती है कि इसमें दो साइडें जो होती हैं ना वो आपस में पैरल होती हैं लेकिन जो दूसरी होती हैं वो इन वो आपस में पैरल नहीं होती तो ये जो पैरल होती हैं ये लाजमी नहीं है कि लेंथ में भी इक्वल हों कि लेंथ में डिफरेंट भी हो सकती हैं अगर लेंथ में ये इक्वल हो जाएंगी तो फिर ये वाली भी आपस में लेंथ में इक्वल हो जाएंगी वो फिर बन जाती हैं रेक्टेंगल तो ये लेंथ में डिफरेंट होती हैं तो इसलिए फिर इस शेप का नाम मान जाता है ट्रेपीजियम नेक्स्ट आता है काइट काइट को बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं काइट पतंग उस टाइप की शेप है ये अर्डिलेटर मीन जो साइडें आपस में जुड़ी हुई हैं जैसे इस साइड के साथ ये वाली साइड जुड़ी हुई है और ऊपर वाली जो छोटी साइडें हैं ये दोनों ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं जो एडजस्टेंट साइड होती हैं है। ये आपस में इक्वल होती हैं ये साइड इसके इक्वल है इसमें सिंगल लाइन है ये भी सिंगल लाइन है आपको नजर भी आ रहा है ऊपर इसमें डबल लाइन और ये डबल लाइन यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है तो ऐसी शेप को क्या बोलते हैं काइट कहते हैं इसमें जो होता है ना ये वाले एंगल जो होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं ये वाले नहीं ये वाले जो होते हैं जो छोटी और बड़ी साइड को आपस में मिला आ रहा होता है एंगल ये वाला ये वाले एंगल अपोजिट एंगल जो होता है ये वाले अपोजिट ये वाले नहीं ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं तो जो भी हमने डिटेल -डि पढ़ी है उसी को मैं ये आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ इस शेप में देखें जो हमने अभी पढ़ा है इसमें आल साइड भी इक्वल है और इसमें ये देखें हमें सामने से नतर भी आ रहा है ये सिंगल लाइन सिंगल 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 तो इसमें इसका मतलब ये चारों साइड आपस में इक्वल है और ये जो बॉक्स बना होता है ना एंगल के ऊपर ये हमेशा नाइन्टी डिग्री को शो कर रहा होता है आल एंगल्स 90 डिग्री ये दो प्रॉपर्टियां हमने यहीं से देख के इसकी लिख लें तो ऐसी शेप जिसके अंदर सिर्फ दो साइड ही पैरल होती हैं ये दो ही पैरल हैं एंगल्स की कोई बात नहीं है ऐसी शेप को बोलते हैं ट्रिपीजियम ट्रिपीजियम की बेटा जब हम इसकी लिखेंगे इसकी दो प्रॉपर्टीज देख तो में होगा कि इसमें एक वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरल पेयर है ना पेयर एक ही होता है इज आएगा वन पेयर ऑफ साइड इज पैरल और दूसरा होता है कि इसका जो अपोजिट एंगल है इसका अपोजिट ये है इसका अपोजिट एंगल ये अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल तो नेक्स्ट में देखें कि इसमें अपोजिट साइड इस साइड के ये वाली साइड पैरल भी है और इस साइड के ये वाली पैरल है ये चारों आपस में पैरल नहीं है सिर्फ अपोजिट साइड पैरल है लेकिन इनके जो एंगल्स हैं ये नाइन्टी डिग्री के नहीं हैं तो नाइन्टी डिग्री एंगल्स को हमने पहले ही बताया कि नाइन्टी डिग्री एंगल होते हैं ना उनके साथ ये बॉक्स बना होता है ये ये एक मेन निशानी होती है देखें ये वाला नहीं है तो अगर आप अपोजिट साइड इक्वल हो इस साइड के अपोजिट इस साइड के ये वाली साइड पैरल है इसके ये पैरल है लेकिन न, एंगल इसके नाइन्टी डिग्री नहीं है तो ऐसी आ, जो है कॉर्डिलेटर को कहते हैं पैरलोग्राम इसकी दो प्रॉपर्टी मैंने लिख है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यानी इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट एंगल ये ये आपस में इक्वल होते हैं और दूसरी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल अपोजिट साइड यानी इसके अपोजिट ये या इसके पैरेलल है और ये इसके पैरल ये तो ऐसे शेप को क्या बोलते हैं पैरलो अब नेक्स्ट आ जाए इसमें भी देखिए आल साइड इक्वल हैं सब में सिंगल सिंगल लाइन लगी है ना इसका मतलब वो आल साइड इक्वल हैं और इसके पैरल ये है इसके पैरल ये है तो ये पैरल भी हैं लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्री नहीं है अगर आल साइड इक्वल हो लेकिन एंगल नाइन्टी डिग्री के ना हों उसको बोलते हैं रम्बस रमबस इसकी प्रॉपर्टी मैंने तीन लिख दी हैं एक तो यह है कि आल साइड आर इक्वल दूसरा लिख रहा है कि एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री इनके जो एंगल है 90 डिग्री नहीं है लेकिन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट ये एंगल ये वाला ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो ये मैंने तीन प्रॉपर्टीज लिख दी हैं तो अब नेक्स्ट में देखें ये है कि इसमें आल एंगल नाइन्टी डिग्री भी हैं और इसमें अपोजिट साइड पैरल भी हैं इसके पैरल ये है इसके पैरल ये, ये है तो जिसके आल साइड पैरल तो हों साथ साथ तमाम एंगल भी 90 डिग्री हों इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल तो ये बेटा इसकी रेक्टेंगल की मैंने प्रॉपर्टियाँ ये लिख दिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरल ठीक है ये अब मैंने इक्वल भी लिख दिया ये भी ठीक है आल एंगल्स आर नाइन्टी डिग्री ये नाइन्टी लिखा है मैंने तो इसकी आल एंगल नाइन्टी डिग्री होते हैं तो ऐसी फिगर्स को बोलते हैं रेक्टेंगल अब नेक्स्ट आ जाओ काइड पे तो काइड में देखें बेटा इसमें ये होता है कि हम पहले इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं लेकिन मैंने इसकी दो जो दो प्रॉपर्टी लिखी हैं कि टू पेयर्स ऑफ एडजस्टेंड अग, अग, एंग एडजस्टेंड साइड टू इक्वल पेयर ठीक है ना दो पेयर होते हैं जो कि इक्वल होते हैं एडजस्ट साइड के ये वाले एक पेयर इन दोनों का एक पेयर इन दोनों का और दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी जो बुक पर नहीं है वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल एक पेयर होता है जो कि एंगल्स का इक्वल होता है यानी कि ये वाला जो पेयर है ये जो एंगल है इस वाले एंगल के क्ल होता है तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो टू है इसमें ये है कि इसके में हमने स्क्वेयर ड्रा करना है स्क्यर ड्रा करना है किस हेल्प से इसको बाई यूजिंग प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर को डी भी कहते हैं ठीक है, है ना ये वाली इसको कहते हैं और रूलर रूलर स्केल का नाम है जिसे नॉर्मल बच्चे रूलर बोलते हैं स्केल कहते हैं फुट कहते हैं जैसे मर्जी आप इसको कह लें तो इसकी मदद से हमने स्क्वेयर ड्रा करने हैं स्क्वेयर के बारे में हम पहले सीख चुके हैं कि स्क्वेयर के तमाम एंगल कितने डिग्री के होते हैं नाइन्टी डिग्री एंगल्स के तो इसमें जो फ़र्क आएगा सिर्फ लेंथों का फर्क आएगा कि किसी की लेंथ कुछ है किसी की कुछ है लेकिन बाकी स्टेप इसके सेम है आइए देखते हैं इनको ड्रा कर कैसे करते हैं सबसे पहले बड़ा स्केल को रखा नीचे वाली जगह हमेशा स्मूथ होनी चाहिए हमवार होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए यह ना हो कि पेज ऊपर नीचे हो रहा हो तो वो हमारी लाइन भी गलत लगेगी सब कुछ गलत बन जाएगा सबसे पहले इसका देखें जीरो कहाँ पे है जीरो ये लिखा हुआ है ना जीरो की लाइन ये पहली लाइन है कुछ बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि जहाँ से स्केल स्टार्ट हो रहा होता है ना वहाँ से लाइन खींच लेते हैं ऐसा नहीं करना यहाँ पे ये पहला पॉइंट है ना ये आपको देखेंगे करीब से तो आपको नज़र आ जाएगा ठीक है ना ये पॉइंट नज़र आ रहा है आपको मैंने कैमरे के करीब करने की कोशिश की है तो ये इसका जीरो का पॉइंट ज़ीरो पॉइंट है इसका तो यहाँ पे आ गया थ्री पॉइंट फोर ये थ्री हो गया आगे जो छोटे छोटे डॉ है ना जो पॉइंट है ये पॉइंट के हैं वन टू थ्री फोर जो दरमियान में होता है ना बड़ा वाला ये फाइव का होता है तो इससे एक पॉइंट पहले ये हो गया अब ये लाइन ड्रा कर ली है थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर इनको कोई नाम दे दें जो एंडिंग पॉइंट होते हैं उनको जहाँ पे लाइन शुरू और एंड हो रही होती है एक को ए का नाम दे दें दे, एक को बी का नाम दे दें अब हमने ए पॉइंट के ऊपर क्योंकि हम स्क्वायर बना रहे हैं ना तो ए पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है और बी पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है एंगल के बारे में पहले भी बताया हुआ है लेकिन फिर भी आपको जहाँ पे ये दोनों लाइनें क्रॉस हो रही है ना ये सेंटर है ये वाला और नीचे जो जो सबसे नीचे लाइन है ये इस तरफ जीरो इस तरफ जीरो को मिला रही है इसको बोलते हैं बेस लाइन तो अब इसका ये जो क्रॉस है इसको हम इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे ए पॉइंट के ऊपर इसको इसके ऊपर लेके आएंगे और इस वाली बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर लाएंगे देखें। फिर को ये देखें बिल्कुल ये क्रॉस इस पॉइंट के नीचे आ गया और ये जो लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर नीचे आ गई अब जिस तरफ हमारी लाइन नीचे ली है इस तरफ लाइन नीचे ली है ना इसकी राइट साइड पे ये तो यहाँ से हमने जीरो इस तरफ से जीरो स्टार्ट करना है काउंट करना तो ये ट्वेंटी नाइन्टी तक हमें नाइनटी डिग्री का एंगल बनाना है ना तो नाइन्टी डिग्री ये आ रहा है 90 डिग्री वैसे तो दोनों तरफ से बराबर होता है क्योंकि हाफ होता है ना ये पूरे स्टेट लाइन का ये हाफ़ होता है तो ये बेटा इसका 90 डिग्री ये पॉइंट बन गया जो तो एंगल होता है ना ये एक्चुअली एक डायरेक्शन का नाम होता है ये कितनी लेंथ कितनी होगी ये नहीं होता है इसमें अब इस वाले ए पॉइंट को इस डायरेक्शन में जितनी मर्जी हम लाइन लंबी ड्रा कर सकते हैं इस लाइन को अगर और भी हम चाहेंगे तो और भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अब एक नाइन्टी डिग्री का एंगल हमने इस तरह बी पे बना लेना है ये जो क्रॉस है ना ये वाला जो प्रोटेक्टर का क्रॉस को हम बी पॉइंट के यहाँ पे रखेंगे जहाँ मैंने पेन रखा हुआ है और जो इसकी बेस लाइन है डी की वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगी ये देखें ये बिल्कुल बी इस पॉइंट के ऊपर आ गया और जो दूसरी लाइन है वो बिल्कुल इसकी नीचे वाली बेस लाइन के नीचे आ रही है तो अब जिस तरफ लाइन हमने इसके इस तरफ निकली है यहाँ से ज़ीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी और ये नाइन्टी है बिल्कुल ऊपर ले जाए इसको यहाँ पे ये यह मैंने हल्का सा ड्रॉ लगा दिया अब इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर लेनी है तो लाइन जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंगल एक डायरेक्शन का नाम होता है कि हमें इस तरफ को जाना है ठीक है एंगल ये नहीं पता था कि हमने कितना जाना है बट डायरेक्शन पता है कि इस तरफ को जाना है अब हमारी ये लाइन 3.4 थी, थी ना तो अब हमने दूसरी साइडों पे भी इधर भी 3.4 और इधर भी 3.4 की एक निशान लगा लेना है ये देखिए इधर तो जीरो है ना इधर 3.4 पॉइंट यहाँ पे है ये 3.4 और इधर यहाँ पे अभी आपका स्टार्ट है ये स्केल से खवा रहे हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जाके ना यही बातें कंपास के साथ बताई जाती हैं ये 3.4 को मैंने ये 3.4 इधर है ये 5 से पहले 3.4 को मैंने इसके साथ जोड़ दिया ठीक है ना पेन मैंने पहले रख दिया ताकि पेन के साथ इसको जोड़ लूं और इस तरफ से ये जीरो वाला पॉइंट है यहां पे एक निशान लगा दिया यहां पर दोनों निशान लगे हैं ना उनको आपस में स्केल से हमने मिला देना है ठीक है ये हमने उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये भी थ्री पॉइंट फोर है ये भी थ्री पॉइंट फोर अभी हमने ड्रा किया है ये भी हमने थ्री पॉइंट फोर अभी हमने स्केल से ड्रा किया है और ये इसकी अपोजिट साइड भी थ्री पॉइंट फोर ही होगी तो ये एंगल कितने थे 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल को ना ऐसे बॉक्स से बना देते हैं जिससे पता चलता है कि ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं हमने दो एंगल बनाने होते हैं दूसरे दो ऑटोमेटिकली वो खुद ही 90 के बन जाते हैं तो ये ए बी इस पॉइंट को इस कोने का को नाम सी दे दें दे और इसको डी का नाम दे दें दे। तो ये बेटा एक स्क्वेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है तो इसी तरह बाकी वाले भी स्क्वेयर हम ड्रा करते हैं अभी तो मेरा बी पार्ट है बी पार्ट में जो लेंथ हुई है स्क्वायर की वो फाइव सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हमने फाइव सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरफ ज़ीरो ये ज़ीरो की लाइन है और इस तरफ फाइव की ये यह फाइव यहाँ पे है इस लाइन को हमने ड्रा किया और इनको नाम दे दिया ए बी ये नाम बाद में ये नाम हम बाद में भी दे सकते हैं अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये साथ साथ ही लिखे जा रहा हूँ तो अब ए के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना लें और बी के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना लें इस वाला जो क्रॉस होता है ना ये क्रॉस को इस पॉइंट के ऊपर रखना होता है ठीक है ना ये जो क्रॉस है जहाँ ये ऊपर से एक लाइन आती है एक नीचे वाली बेस लाइन नीचे वाली जो ज़ीरो इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है इन दोनों को जब ला रही होती है ना इसको बेस लाइन कहते हैं बेस लाइन को हमने इस लाइन के ऊपर रखना होता है और इस क्रॉस को इस पॉइंट के ऊपर अब ये देखें ये बिल्कुल क्रॉस इस ए पॉइंट के ऊपर आ गया और ये बेस लाइन के नीचे दूसरी लाइन आ गई तो इस तरफ से जिस तरफ लाइन नीचे ली होती है उस तरफ से हमने ज़ीरो काउंट करना होता है तो ये एटी और ये नाइन्टी नाइन्टी दोनों तरफ का एक जगह पे आता है इसलिए उन्होंने नाइन्टी को एक दफ़ा ही लिखा है तो यहाँ पर अब हम इसकी लाइन ड्रा कर देंगे इधर को इस डायरेक्शन में ठीक है ना जो एंगल होता है ये हमें डायरेक्शन बताता है लाइन हम जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर और, और भी ज़रूरत पड़े तो हम और भी इसको लंबा कर सकते हैं अब बी पॉइंट के ऊपर भी इसको इस वाले पॉइंट को इस बी के ऊपर रखें और बेस लाइन के नीचे इस लाइन को ले आएंगे ये देखिए बी इसके क्रॉस के नीचे बी पॉइंट आ गया और दूसरी लाइन इस तरफ नीचे आ गई जिस तरफ लाइन नीचे ली होती है उस तरफ से जीरो हमने स्टार्ट करना होता है जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी और नाइन्टी इधर आ जाएगा नाइन्टी के लिए इतना यश नहीं होता क्योंकि नाइन्टी दोनों का इस तरफ से भी आए इस तरफ से भी आए नाइन्टी सेम ही होता है नाइन्टी डिग्री तो इस डायरेक्शन में हमने अब एक लाइन ड्रा कर लेनी है लाइन जितनी मर्जी लंबी हम ड्रा कर सकते हैं लेकिन हमने अंदाजन इतनी बड़ी ना हो हमें पता होता है कि जितनी की है ये नीचे वाली है ना इतनी इससे ज़्यादा ना हो थोड़ी ज़्यादा हो जाए खैर लेकिन बिल्कुल डबल ट्रिपल ना हो जाए कि हम खुद ही हमारा पेज ख़त्म हो जाए अब ये फाइव सेंटीमीटर है तो स्केल की बाकी साइडें भी फाइव फाइव सेंटीमीटर ही होती हैं अब देखिए मैंने स्केल साथ में लाया और ये ये फाइव है ये फाइव को इसके सामने लाया और ज़ीरो यहाँ पे है अगर ये लाइन छोटी होती ना हमने क्योंकि ये पहले कच्ची पेंसिल से इसको ड्रा किया होता है तो हम इसका एरो रेज करके इस लाइन को और भी लंबा कर सकते हैं इसी इस तरह इस तरह भी फाइव सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे ये फाइव ये ज़ीरो है और ये फाइव इधर बी पॉइंट पर आके एंड हो गया अब यहाँ पर दोनों जगहों पर डॉट्स हो गए हैं इनको हम आपस में मिला देंगे इनको में मिला दिया अब इनको इनके चारों कोनों को नाम दे दें ए बी ये सी और ये डी ये भी फाइव सेंटीमीटर है ये भी फाइव है ये भी फाइव है और ये भी फाइव सेंटीमीटर है और स्क्वेयर है इसके तमाम एंगल्स नाइन्टी डिग्री की हैं ये दो तो हमने बनाए हैं ना जो दूसरे दो होते हैं वो ख़ुद ब खुद नाइन्टी डिग्री बन जाते हैं तो ये बेटा स्क्वेयर इसका कंप्लीट हो गया तो इस क्वेश्चन के बेटा जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह के हैं सब में पहले एक हमने लाइन ड्रा करनी होती है फिर 90 डिग्री एंगल इधर भी 90 डिग्री एंगल इधर भी हमने ये दोनों लाइनें ड्रा कर देनी होती हैं फिर जितनी लेंथ ये होती है उतनी ही लेंथ ये होती है उतनी ही इतनी ही लेंथ ये होती है तो उतनी लेंथ पे स्केल पर आके जैसे अभी हमने लाइन ड्रा की है हमने इनको मिला देना है बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपने खुद से करने हैं मैं जस्ट आपको इसमें ये लाइन ड्रा करनी बता देता हूँ कि मे बी आपके लिए ये लाइन ड्रा करनी डिफरेंट हो तो इसमें देखेंगे ये सारा पहले ये सी पार्ट में सेवन पॉइंट टू है तो आपको पता चल गया मैं अभी बताया था कि ज़ीरो की लाइन कहाँ पे होती है ये आपको नज़र आ रही होगी कि पहली लाइन होती है ना बड़ी सी ये ज़ीरो की है एक तरफ ज़ीरो इस तरफ सेवन ये सेवन के बाद टू पॉइंट ये ऐसे करके आपने लाइन ड्रा कर लेनी है और ये सेवन पॉइंट टू की लाइन हो जाएगी बाकी इसी तरह फिर नाइन्टी डिग्री के एंगल ऊपर को बन जाएंगे इस तरह फोर्क वाले की लाइन जो पहली ड्रा करनी है ज़ीरो और फोर ये ऐसे ठीक है ना एक को ए का नाम दे देना है बी का ए बी बाकी स्टेप उसी तरह जो पिछले मैंने तीन पार्ट किए हैं ना दो पार्ट किए हैं बिल्कुल उसी तरह ही है ये लेंथ इसकी है सिक्स पॉइंट थ्री ये इसका जीरो है और ये इसका सिक्स है सिक्स पॉइंट थ्री अगर तीन पॉइंट गे वन टू थ्री यहाँ पे ऐसे करके ये ए बी सारा लिख भी लेना है सिक्स पॉइंट थ्री जब इसका स्क्वेयर बनाना होगा तो ऊपर को नाइन्टी डिग्री के एंगल बना लेंगे इस तरह ये एफ पार्ट है इसकी लेंथ है फाइव पॉइंट फाइव तो फाइव पॉइंट फाइव कैसे ड्रा करेंगे इधर जीरो पे और इधर फाइव है ये बड़ी लाइन जो दरमियान में होती है ना ये फ़ाइव की होती है चाहे आप गिन भी लेंगे वन ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव तो फिर भी आ जाता है तो नहीं तो फाइव की लाइन जो है ना फाइव और सिक्स के दरमियान में हर अगले नंबर के दरमियान में एक बड़ी लाइन होती है वो फाइव की होती है तो यहाँ से इधर तक हमने ये लाइन ड्रा कर लेनी है ये बन जाएगी 5.5। अब इस तरह नेक्स्ट देखें बेटा कि ये जो जी पार्ट है इसकी 8.9। एट पॉइंट नाइन इसके लिए काफ़ी खुला पेज आपने रखना है तो एट पॉइंट नाइन है तरह 0। इस तरफ जीरो इस तरफ ये एट है एट पॉइंट नाइन टोटल टेन पॉइंट होते हैं तो एक से पहले नाइन यहाँ पे आता है कैमरे से सामने कर लूं। ये तो जीरो ये फाइव क्या अकाउंट कर लें ऐसे काउंट करके बैंगे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अगर टेन करेंगे तो अगला नंबर आ जाता है उससे एक पॉइंट पहले तो ऐसे करके एट पॉइंट नाइन की ये हो जाएगी नाइन नेक्स्ट है थ्री पॉइंट थ्री ये बिल्कुल आसान है फर्स्ट पार्ट हमारा थ्री पॉइंट फोर था तो ये थ्री पॉइंट थ्री ये बिल्कुल है ये जीरो हो जाएगा ये थ्री वन टू थ्री ऐसे करी पॉइंट थ्री मैंने ये भी नाम दिया आप जो सा मर्जी नाम इसको दे सकते हैं क्योंकि जब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने होते हैं ना तो वो फिर हम पॉइंट अगर लिखे होंगे तो हमें पता चल आसानी से लिखने लिखने में आसानी हो जाती है तो इस मजीद अगर कोई आपको इसके बारे में समझ ना लगे तो फिर मुझे ज़रूर कमिट्स कीजिएगा तो मैं आपको ज़रूर गाइडलाइन करूँगा तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में ड्रा रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल्स ड्रा करनी है यूजिंग प्रोटेक्टर रूल एंड रूलर अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ एंड विड्थ एक इसमें लेंथ है एक इसमें विड्थ है तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये सिर्फ लेंथ जो साइडें हैं ना वो डिफरेंट है बाकी एंगल्स ड्रा करने का मैथड बिल्कुल सेम स्क्र जैसा ही है तो आइए इसको ड्रा करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में आया कि लेंथ सेवन सेंटीमीटर दी हुई है और जो विथ है वो फाइव सेंटीमीटर दी हुई है तो बेहतर ये होता है कि पहले हम लेंथ ड्रा कर ले वरना इनमें से जोन सी मर्जी आप साइड पहले ड्रा कर लें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता विर्थ uh, भी कहते हैं और इसको और क्या कहते हैं ब्रेथ भी कहते हैं जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन बुक के अंदर अभी व्रथ दिया हुआ था हम इसको को ही कहेंगे लेंथ सेवन सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम सेवन सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे इधर जीरो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली ये हो गई सेवन सेंटीमीटर की नेक्स्ट बिल्कुल सेम जैसे हमने स्क्वेयर के ऊपर किया था कि पहले एक तरफ 90 डिग्री का एंगल बना लें फिर दूसरी तरफ बना लें जिस तरफ मर्जी पहले आप 90 डिग्री का एंगल बना लें तो ये बिल्कुल ये जो क्रॉस है इस पॉइंट के ऊपर आएगा ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के नीचे आएगी और 90 का एंगल ऊपर है ऐसे करके ये हो गया इसी तरह ये लाइन ड्रा कर लें या मैं एक ही दफा पहले प्रोटेक्टर वाला काम कर लूँ इसको फिर साइड पे कर देंगे फिर हम कट्ठी एक दफ़ा लाइनें ड्रा कर लेंगे बिल्कुल इस पॉइंट को ये जो पॉइंट है ना ये वाला जहाँ मेरा पेन शो हो रहा है इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लाएंगे और ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी तुम्हारा एंगल बिल्कुल ठीक बन जाएगा अब ये देखें इधर से ज़ीरो काउंट किया और ये नाइन्टी इधर ये, ये दोनों पॉइंट मैंने पहले लगा लिए थे ये जैसे देखें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये वाला है इस डायरेक्शन में जितनी मर्जी लंबी लाइन ड्रा कर लें एक इधर और एक लाइन इधर ठीक हो गया अब देखिए अगर ये सेवन सेंटीमीटर है तो यहां पे भी सेवन सेंटीमीटर की लाइन ही बनेगी तो, तो, 7 हो तो विट, विट हो ये वाली तो सेवन होगी तो विथ साइड तो अब हमने यहां पे पेन को पहले कॉर्नर पर रख लें और स्केल का ऊपर जहाँ फाइव लिखा हुआ है ना फाइव को बिल्कुल पेन के साथ ला के जोड़ दें और दूसरी तरफ जो हमारी लाइन है ना जो स्केल है बिल्कुल लाइन के साथ साथ होना चाहिए ऐसे और इसका जो ज़ीरो का पॉइंट है ये वाला है इसी तरह दूसरी तरफ आ जाएँ यहाँ पर भी फाइव को बिल्कुल पेन की जो नोक है वहाँ पर ला के जोड़ दें और इस तरफ जो स्केल है बिल्कुल हमारी इस लाइन के साथ होना चाहिए और जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ वाले पे वहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे अब दोनों तरफ हमारे पॉइंट लग गए अब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे ये बेटा दोनों पॉइंट्स आपस में मिल चुके हैं ये सेवन सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी सेवन सेंटीमीटर है और ये हमने फाइव सेंटीमीटर की स्केल के साथ वो मैश की है अभी तो ये बेटा हमारी रेक्टेंगल बन चुकी है और ये एंगल हमारे नाइन्टी डिग्री के हैं रेक्टेंगल के तमाम एंगल नाइन्टी डिग्री के होते हैं इनको कोई नाम दे दें ए दे? बी सी और ये डी तो आइए अब इसकी नेक्स्ट जो रेक्टेंगल है वो ड्रा करते हैं तो बड़ा बी पार्ट में पहले लेंथ दी हुई है एट सेंटीमीटर और विथ दी हुई है फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर इसकी हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी है तो पहले हम इसकी लेंथ ड्रा कर लेते हैं लेंथ है इसकी एट सेंटीमीटर एक तरफ ज़ीरो और एक तरफ एट ये एट है ठीक है ना यहाँ पे एक हम लाइन ड्रा कर लेंगे अब हमने क्या करना है इन दोनों एंडिंग पॉइंट को इसको नाम मैं पहले ही दे देता हूँ ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है दोनों पॉइंटों के ऊपर हमने 90 डिग्री के एंगल ड्रा करने हैं जिस तरफ मर्जी आप पहले एंगल ड्रा कर लें तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ ये जो क्रॉस होता है बिल्कुल इस पॉइंट पे आए और ये जो लाइन होती है इस नीचे वाली बेस लाइन के बिल्कुल नीचे आनी चाहिए एक तरफ इस तरफ नाइन्टी का बना पॉइंट लगा लिया हमने फिर दूसरी तरफ भी पॉइंट लगा के कट्ठी लाइने ड्रा कर लेते हैं सेम मेथड है ए पॉइंट इधर इस तरफ तो लाइन नहीं चली इधर से जीरो पॉइंट किया तो नाइन्टी यहां पे आता है ठीक हो गया अब जहां पे दोनों पॉइंट लगे हैं उस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर लेनी है लाइनें जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर सकते हैं तो ये वाली लाइन थी हमारी 8 सेंटीमीटर हम क्योंकि ये रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं तो इसकी अपोज़िट साइड भी ऑटोमेटिकली क्योंकि कहीं ये 90 डिग्री है तो वो सामने वाली साइड 8 सेंटीमीटर ही बनेगी तो ये हमने यहाँ पे हमने 4.4, 4.4 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है यहाँ पे। ये फोर आगे वन टू थ्री फोर फोर पॉइंट फोर का जो पॉइंट होगा ना उसको हमने पेंसिल के साथ मिला देना है और उस तरफ से स्केल को हमने इस लाइन के बिल्कुल साथ जोड़ लेना है यहाँ पे आ रहा है यहाँ ठीक हो गया इसी तरह पेन को पहले बी पॉइंट पे रख लिया फिर स्केल जहाँ पे फोर पॉइंट फोर है ना वहाँ पे ला के इसको इसके साथ पेन के निब के साथ जोड़ देना है और दूसरी तरफ हमने स्केल को उस ऊपर वाली लाइन के साथ भी जोड़ देना है इधर फोर पॉइंट फोर अगर ठीक हो गया तो इधर फिर ज़ीरो जहाँ पे ज़ीरो था ना वहाँ पे एक निशान लगा लेना है अब इस तरफ हमने निशान पहले लगाया हुआ है, इस तरफ भी लगा लिया ये वाला अब दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है ये हो गया ए बी सी और ये डी ये भी एट सेंटीमीटर है और ये भी एट सेंटीमीटर है और ये वाली फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर है और ये भी फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर है और एंगल कितने के थे एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल का ना जो पॉइंट होता ना ऐसे सा बना देते हैं तो ये बेटा ये रेक्टेंगल बन चुकी है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और इस तरह वाली आपस में इक्वल होती हैं तमाम साइडें आपस में इक्वल नहीं होती हैं अगर तमाम इक्वल हो जाए और नाइन्टी डिग्री एंगल भी हो जाए तो वो स्क्वेयर कहलाता है वो सी पार्ट में बेटा लेंथ 6.6 सेंटीमीटर है और वेथ 3.4 सेंटीमीटर है और इसका हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी है तो इसमें पहले हम लेंथ को ड्रा करेंगे लेंथ है 6.6 तो सबसे पहले हमने लेंथ को ड्रा कर लेना है इधर जीरो और इधर देखें सिक्स ये ये 6.5 पॉइंट दरमियान में जो बड़ी लाइन होती है जो फाइव की होती है इससे एक पॉइंट आगे सिक्स का हो जाएगा ये हो गया अब हमने क्या करना है कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये इन तमाम क्वेश्चनों के लिए यही स्टेप्स हैं इनको आप अच्छी तरह से, से में बिठा लें क्या लेंथ ये चेंज हो जाएगी लेकिन बाकी स्टेप सेम होते हैं अब हमने ए और बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है पहले बी के ऊपर एंगल बना लें ये 90 डिग्री का पॉइंट हो गया इस तरह ए के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना लें ये क्रॉस को बिल्कुल ए पॉइंट पे और ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ गई इस तरह से ये 90 डिग्री का पॉइंट है अब 90 के जो पॉइंट है इनको इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर लेनी है बार बार बता रहा हूँ कि जो एंगल होते हैं ये एक डायरेक्शन का नाम होता है ये लेंथ लाजमी नहीं कि लेंथ कितनी हो लेंथ को तो हम यहाँ से ले कर चाहे हम दूसरे मुल्क तक खींचते जाएँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंगल को ये एंगल नाइन्टी डिग्री है तो ये नाइन्टी डिग्री के एंगल बन चुके हैं दोनों अब हमने ये लेंथ है इसकी सिक्स पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर और दूसरी वृथ कितनी है थ्री पॉइंट फोर अब हमने दोनों लाइनों के साथ जो नाइन्टी डिग्री किया है इस पर थ्री पॉइंट फोर यह थ्री है आगे फोर पॉइंट पहले पेन इस पॉइंट पे पेन रख लें और थ्री पॉइंट फोर का जो है ना पॉइंट उसको इसके साथ मिलाएं पेन के साथ भी मिलाएं और साथ साथ इस वाली जो लाइन है इसके साथ भी मिलाना है दोनों तरफ बैलेंस रखना है हमने इधर ज़ीरो जहाँ पे ज़ीरो है जीरो से लेकर यहाँ तक थ्री पॉइंट फोर है ये ठीक है फर्क नजर आए तो, तो पेन को इसको स्केल को आगे पीछे कर लेना है इधर इस तरफ भी बी पॉइंट के ऊपर पहले पेन को रखें और थ्री पॉइंट फोर को इसके साथ स्केल को मिलाएं और दूसरी तरफ जो स्केल है वो हमारा इस वाली जो एंगल की लाइन है इसके साथ रहेगा अब एक पॉइंट ये हो गया दूसरा पॉइंट ये हो गया ये यह यहाँ से यहां यह 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 तक थ्री पॉइंट फोर है ये यह भी यहाँ से यह लेकर यहां तक थ्री पॉइंट फोर है इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे आप लोगों ने ये सारा जो काम है ना कच्ची पेंसिल से करना है लेड पेंसिल यूज करनी है मैं तो इसलिए ये यूज कर रहा हूँ कि ये वीडियो में थोड़ा सा क्लियर नजर आता है लेकिन सीनियर क्लासेस में जाके फिर ये वाली डायग्राम भी हमने ये बॉल पेन वगैरह से बनानी होती है ये 6.6 है तो ये भी 6.6 सेंटीमीटर है और ये 3.4 और ये वाली साइड भी 3.4 सेंटीमीटर है तो एंगल तमाम ऑटोमेटिकली अगर दो एंगल 90 डिग्री के हैं ना तो दूसरे एंगल भी ऐटोमेटिकली 90 डिग्री के बन जाते हैं तो बेटा बाकी जो इस तरह के तीन पार्ट हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं तो ये लेंथ का फ़र्क आएगा बाकी मैथड यही है फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे ज़रूर कमिट्स कीजिएगा कि और एक्सरसाइज साइज भी चाहिए हुए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा ओके अल्लाह हाफिज़